तो आज है नाइट ट्रिप। अभी हम लोग गए थे अपने पुरानी ट्रिप में, आपने जो देखा कितनी अच्छी हमने कुकिंग करी थी और बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट हुआ था हमारा। तो अभी हम लोग फिर चल रहे हैं एक नई ट्रिप पर और ये लॉन्ग वीकेंड आ गया है, तो लॉन्ग वीकेंड में एक नई ट्रिप हम लोग जा रहे हैं। मैसूर जाएंगे और आगे भी जाने का प्लान है, चिकमंगलूर भी जाने का प्लान है और हम्पी भी जाएंगे। और ये जगह हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में एक अपनी पुरानी ट्रिप पे गए थे बहुत पहले, जब हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे तो यहाँ गए थे, सोचा कि इस बार दोबारा जाते हैं। क्योंकि हम्पी तो ऐसी जगह है जहाँ आप जितनी बार जाएं वो आपको एक तरह से बांध लेता है। हम्पी अगर आपको नहीं पता है तो विजयनगर किंगडम की सबसे बड़ी सिटी थी वो, और बहुत ही रिच सिटी थी जिसको आज के दिन में कोई नहीं पूछता है। मगर अगर आप वहां जाएंगे, वहां की हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे तो आप बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस का अनुभव करेंगे। तो गजब होने वाला है इस ट्रिप में, बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो फिर हम चलते हैं अपने नई ट्रिप के लिए, चलिए चलते हैं। और अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी छोटी सी ट्रिप, हमारी छोटी सी फैमिली आगे बढ़ सके, हमारी टूर फैमिली को आगे रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके। तो हम तीन टूर फैमिली नहीं, आप सब भी हमारे साथ आइए और हाँ, हमारी टूर फैमिली को बढ़ के हमारे साथ दीजिए और आगे बढ़ाइए। बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम बार बार यही बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं साला क्या हर बार है ना यही बोलते रहते हैं, बोर करते रहते हैं, मगर आपके सपोर्ट के बिना हम आपको बताइए नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। आप बताइए आपको जो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, तो जो भी आप करेंगे हम कोशिश करेंगे करने की और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। और ये पानी कम है तो पानी डालते हुए क्या और कम हो गया क्या? हाँ थोड़ा ज्यादा हो, गंदी भी हो रही है गंदी हो रही है तो आपसे करानी पड़ेगी। मैडम आप कर लोगी, इतना हैप्पी है, आपको लगता है आप कर लोगी? चलो बैठो, जाके बैठना नहीं है मैडम, डांस कर लो तुम। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। बेंगलोर के रास्ते पर जाना है और पहले तो बोला कि इधर से नहीं, इधर शॉर्ट रास्ता है। पहले ताम्रम उससे ब्रिज से निकाल रहा था है ना, फिर उसके बाद नहीं वहाँ गए तो उसने कहा अच्छा कांचीपुरम की तरफ से लिया है, फिर कांचीपुरम से अपने तुमने कहाँ गाँव में डाल दिया है। ये वाला रास्ता तो भाई हमारे लिए पहली बार है, जबकि हम बैंगलोर की साइड से होते हुए बहुत बार निकले। हाँ गाँव की फील लो, तमिलनाडु के गाँव की। ये देखिए कितने सारे पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे, क्या बढ़िया नीम के पेड़ है, बिल्कुल लाइन से लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये स्किन में टांग बांध रखा है, ओह माय गॉड, देखिए स्किन में बांध रखा है इसने तो पूरा, यार गजब। ये क्या है भाई? याशिका, यहाँ छोटी हुई याशिका और दोनों के ऊपर सो रही है, देखो पापा। चलो याशी उठो, उठ जा, चलो उठ जा। दोनों के ऊपर सो रहे हो तुम, पता है तुम्हें, है ना, तुम दोनों के ऊपर सो गए थे। उठ जाओ बेटा, आ जाओ चाय बनाएंगे, चलो आ जाओ चाय बनाएंगे। याशिका चाय बनाएगी, हाँ स्माइल स्माइल देखो याशिका। और अभी हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक ली है, बहुत ट्रैफिक था जिसकी वजह से बहुत गांव में कहाँ कहाँ से लेके आया वो हमको, आज तो वो पता नहीं कौन कौन से गांव में से लेके आया है, बहुत बुरा हाल था, गूगल ने आज परेशान कर दिया। और अभी हम लोग यहाँ रुक गए हैं, यहाँ पे कोई अपना किसी का फैक्ट्री है, हवेली है, जो भी है, शोर भी बहुत है इधर।
और अपना यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी चाय बनाएंगे। हाँ, चाय, दूध। चाय, दूध, दूध हम लेके आए हैं। तो ये स्टोव अपना, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा, खाना रात में खाएंगे उसके, जब तक अपना चाय फाय पी लेगा। शाम का वक्त है तो चाय का टाइम, टी टाइम हो गया ना वैसे भी तो। हाँ। मेन हाईवे है यार, इतना ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा। गूगल हमें कितना परेशान करता हुआ लेके आया है, बहुत ज्यादा। इतने कौन कौन से गांव गाँव से लेके आया है। याशी सो रही है अभी, और दूध हम लोग अभी, और हम दूध लेके आए थे। दूध तो हम पैकेट ले लेते हैं, जहाँ रास्ते में कहीं भी मिलता है तो हम दूध ले लेते हैं। वे, उड़ना नहीं भैया। नहीं, हवा चल रही है, थोड़ा सा दब जाएगा ना उससे, थोड़ा सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा काम करवाने लगे हैं हम। सेटिंग वाला। रुका नहीं, रुका। जल गया बस। हाँ देखो, आज भी चाय मैं ही बना रहा हूँ। जी नहीं, मैं बना रही हूँ बस ये सेटिंग के लिए, क्योंकि वो गैस का सिलेंडर कभी कभी इसको ये बताती नहीं है, वरना मेरे हाथ की चाय सबसे बेस्ट बनती है जब मैं बनाता हूँ। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप ही बनाओ, मैं पीऊँ सिर्फ। मगर ऐसा हो नहीं पाता हमारा। याशिका को जगाती हूँ मैं यार, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। याशिका बेटो, उठ जा बच्चा, उठ जा उठ जा उठ जा, तुम दोनों के ऊपर फिर सो गई जाके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चप्पल पहनो अपनी, चलो चप्पल पहनो। याशी निकल आई सोते सोते, देखो कैसी लग रही है, मुंह बना के सोई सोई कर रहे हो, उठने का नाम ही नहीं है। देखो अभी भी सो गई। याशी चाय बना रही है, हाँ? अच्छा, कैसे बनाते हैं चाय बताओ। ये लो, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बताओ। पहले तो दूध लो, है ना, दूध लो, बाउल लो, बाउल लो, बाउल मतलब ऐसे कुछ ले लो, है ना? ऐसे कुछ ले लो, फिर दूध लो, दूध लो। कितनी बार दूध लेना बेटा? टू टाइम्स। अच्छा, फिर आप उसको गरम करो। हाँ, थोड़ा सा आ जाए। अच्छा, थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो, है ना। फिर तो अगर चीनी चाहिए, अगर तो चीनी लो जो अच्छा। है उसके बाद चाय पत्ती लो, चाय पत्ती लो, फिर जिंजर को घिसो, फिर जिंजर को घिसो, घिसो हाँ, है ना। फिर वो जो उसका जो घिसने का आएगा उसको लेके उसमें डालो, उसमें डाल दो, फिर थोड़ा सा आएगा उसके बाद। और गैस कौन जलाएगा? अरे गैस तो चली हुई होगी ना। अच्छा, याशिका का दूध रेडी हो चुका है, तो हल्का सा हम इसमें चाय में, क्योंकि बाहर का दूध लेते हैं तो हम चीनी थोड़ी सी डालते हैं, अदरवाइज घर पे नहीं डालते हैं। मगर जब इसमें उबाल मीन्स इसका वो हो जाए ना, तब चाय हमारी बन के तैयार हो गई है। और साउंड आ रहा होगा बाहर का, क्योंकि मेन रोड पे हैं हम, और वहाँ टेंपल है ना, वो वाला टेंपल जो है, वहाँ से साउंड भी आ रहा है। तो थोड़ा सा साउंड में परेशानी होगी, मगर हम अपना काम तो करेंगे ही ना, क्यों याशिका, हमें तो अपना काम करना ही है ना। और ये डॉगी अभी तक खड़ा हुआ है भैया, वेट कर रहा है चाय पीने का। चाय पीनी है तुम्हें, चाय पीनी है या बिस्किट खाने हैं, क्या करना है? रेडी हो गई भाई चाय, और अभी ये अपनी चाय भी कम बन गई, याशी का दूध बन गया, याशी दूध पिएगी, और इसके साथ अभी हम लोग बिस्किट वगैरह ले लेंगे। हाँ, और फिर रात को खाना खाना है वो तो हम बाहर खा लेंगे, क्योंकि अभी नहीं बनेगा। हाँ, डॉगी आया हुआ है, वो देख रहा है कि ना कुछ मुझे मिल जाएगा खाने को। अभी जब मैं बिस्किट निकालूंगी तब बिस्किट देंगे, तो इसको भी देंगे, डाल देना थोड़ा। अभी बिस्किट निकालूंगी, याशी अपना दूध पिएगी। डालो डालो उसको बेचारे को, कब से वेट कर रहा है वो। और यहाँ याशिका भी खा रही है। याशिका आप क्या लिया है आपने, कौन सा बिस्किट लिया? पार्ले जी, ये वाला ले लो, अपना फेवरेट आपका यूनिबिक वाला।
और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे। अपना जो सॉस पैन था वो वॉश हो गया, गैस वगैरह कर देंगे, मेरा ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। यहाँ से अभी हम लोग चाय वाय पी के अपना चलेंगे। चाय यहाँ से अपना दूध पी रही है अमिका की चाय, वो तो बढ़िया चाय बनी है। ये वो कप थे जो हम पिछली बार भूल गए थे जो अभी याद आपके तो सारा सामान रखा है मैंने मोस्टली, और पता नहीं यार भूल जाओ तो भूल जाओ यार। हाँ। क्योंकि एकदम से प्लान बनता है हमारा, कभी ये नहीं होता कि बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे होते हैं। हाँ। अपना एकदम हेलो एवरीवन, अभी हम पहुंच गए हैं वेल्लोर, वेल्लोर को क्रॉस कर दिया। यहाँ खाना खाने की देर चल रही है पीछे देखना, और तूफान सा आने वाला है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके थे। ये है भूमि रेजिडेंसी, यहाँ पर खाना खाया, अच्छा लगा बहुत, और खाना खाया और यहाँ सब चेक किया। तो सब जहाँ हम जा रहे हैं हर सिटी में हैवी रेन वार्निंग हो रही है। बेंगलोर में तो हैवी रेन वार्निंग है, और फिर चिकमंगलूर जाना था हमको, वहाँ भी हैवी रेन वार्निंग है अगले 3-4 दिन तक। मैसूरू में हैवी रेन वार्निंग है, हम्पी में हैवी रेन वार्निंग है। पूरी तरह से हमारा ख़राब हो गया है, पूरा जो प्लान था पूरी तरह से प्लान ख़राब हो गया है, पूरी तरह से वाट लग गई है। मतलब जो सोचा था अगले 4-5 दिन का कि इतना अच्छा हमारा निकलेगा और सब कुछ, सारा प्लान कहते हैं ना गुड गोबर हो गया पूरी तरह से गुड गोबर प्लान हो गया हमारा, बहुत बुरा हाल। दो बार ऐसा हो चुका, एक बार और हम बीच में निकले थे और रास्ते में से हम तबीयत थोड़ी खराब हुई तो वापस हो लिए। अब बहुत सारी चीजें खराब कि अब रेन हो रहा है, और देखो यहाँ मतलब अभी वेल्लोर को क्रॉस किया है, उसके बाद ही ऐसा लग रहा है ठंडी हवा, ठंडी हवा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए पूरी तरह से बेंगलुरु हैवी रेन वार्निंग, चेन्नई वापस है पार्टली क्लाउडी है, चिकमंगलुरु हैवी रेन वार्निंग, मैसूरु हैवी रेन वार्निंग, हम्पी हैवी रेन वार्निंग, मतलब जहाँ जहाँ हमें जाना है। वेल्लोर भी, हम सोच रहे हैं हाँ, वेल्लोर में भी है हैवी रेन वार्निंग, तो मतलब जहाँ जहाँ रुकने का सोच रहे हैं वहीं पर है ना हैवी रेन वार्निंग आ रहा है। तो पूरी तरह से हमारा पूरा प्लान था जो पूरी तरह से चौपट हो गया है। इसे कहते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब हमको पता लगता है कि अरे यार ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट हो गया। अब पहले सोच रहे थे कहीं और चलते हैं, मगर फिर कहीं और जाएं और वहाँ भी रेन आ जाए तो उससे अच्छा है, हमने देखा ही दो जगह और देखी, सब जगह रेन अलर्ट है, रेड अलर्ट कर रखा है। सोचा कि कहीं और चलते हैं, फिर अभी सोचा है कि चलो वापस ही चेन्नई चलते हैं। अभी हो रहा है 10:00 हो रहा है और पहुँचते 2:00 हो जाएगा यहाँ से, तो क्या करें, मजबूरी है। फिर सब अभी कुछ याचिका की छुट्टी बड़े बन करते, अभी याचिका की छुट्टी होगी तब चलेंगे। अपना तो क्या होता है कि जब मन करे तब उठ के चल दो, मगर याचिका स्कूल रहता है, स्कूल का देखना पड़ता है, छुट्टियां हैं, तो सब कुछ डिपेंड करता है। सोचा कि चलो छुट्टी है तो चलते हैं, मगर सारा काम खराब हो गया, तो फिर चलते हैं यहाँ से घर पे, और इस वीडियो को यहीं क्लोज कर देते हैं। क्योंकि हाँ जो भी हो पाया हम जो आपको कुछ भी है, कुकिंग थोड़ा बहुत जो भी किया था, अभी सोचा बहुत था कि बहुत कुछ करेंगे आगे के लिए, आगे बहुत कुछ बनाना था, दिखाना था सब कुछ। हाँ, बहुत सारी चीजें सोच के चले थे, बहुत सारा सामान भी लेके आए थे घर से कि इस बार ना अच्छी ट्रिप होगी, अच्छी सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, मगर पहले भी करते आए और आगे भी करते रहेंगे अच्छा, मगर वही है थोड़ा सा अभी थोड़ा लग रहा है कि दो बार से हम निकल रहे हैं और तब भी कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा है कि हम अपनी ट्रिप पूरी ही नहीं कर पा रहे, बीच रास्ते से चलते हैं फिर यहाँ से चलते हैं और फिर रात में पहुंचेंगे। हाँ, 2 बजे पहुंचेंगे, 2:30 बजे पहुंचेंगे, तो कोई मिलते हैं फिर किसी बहुत जल्दी, फिर नई ट्रिप लगाएंगे, फिर नई ट्रिप शुरू होगी, फिर दिखाएंगे आपको, फिर दिखाएंगे, फिर चलिए दिखाएंगे, जरूर करते रहेंगे। चलिए स्टे ट्यून, जय हिंद जय भारत।